मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। इतना वाइट तेज अच्छे खत्म होगा तो लाइट पूछ रहे हैं। इस पाठशाला के लिए क्या शुभकामनाएं? I'm very excited. I think this is the best time to be an actor and girls are rising and are doing really well. They are having their own production houses. इससे वो खुद empower हो रही है, empowered stories ला रही है industry के लिए, audiences के लिए और हम सब के लिए भी काम आ रहा है. So I'm very excited for Akanksha and I send her very best wishes. तो क्या आने वाले दिनों में we will see you in this production house? Yes. I'm very excited to be part of them. Okay, if you want to share your projects, what are you doing in your professional life? I'm an actor and a journalist. So, अभी फिलहाल हाल ही में मैंने फिल्म किया है मराठी में भविष्य, and मैंने तमिल में फिल्म किया है with अभय देओल. उनकी फिल्म है, उनकी प्रोडक्शन है ये इदुवेदालम सोलम कदई. एंड बिसाइड्स दैट मैं आप ही की तरह जर्नलिज्म भी करती हूँ, चैनल्स के इंटरव्यूज भी लेती हूँ. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. बड़े बड़े बार क्यों रखा है? ओके, जैसे कि मैम फिल्म बनाएगी जो सोशल प्रोजेक्ट्स को लेके, तो किस तरह की प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्हें फिल्म बनाने के लिए आपके अनुसार? आई थिंक ऑडियंसेस शुड बी ऑडियंसेस जिससे लर्न करे, एजुकेट हो प्लस एंटरटेन भी हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किस प्रोजेक्ट में, मतलब किस विषय में बनानी चाहिए आपके अनुसार? व्हाट आई सजेस्ट कि उनको कैसे फिल्में बनानी चाहिए, आई थिंक कॉमेडी और आजकल कुछ गर्ली स्टोरीज होनी चाहिए जहाँ पे हम सब की रियल लाइफ आए. और बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि पहले लड़कियां बहुत सारी बातें बोल नहीं पाती थी, अभी फिल्मों को देख के हम और स्ट्रांग हो रहे हैं. बिकॉज फिल्मों में हम देख रहे हैं हमारे एक्ट्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे किरदारों में अपनी यू नो अप्स एंड डाउन शेयर कर रही है. तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.